नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे हैं आईसी इंजन में। बड़ा ही फंडामेंटल क्वेश्चन है दोस्तों, टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक इंजन में बेसिकली क्या अंतर होता है, वो हम इसके जरिए जानेंगे। कैलकुलेट द इंडिकेटेड पावर इंजन वन टू स्ट्रोक टू सिलेंडर एसआई इंजन ऑफ मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ 1.2 मेगा पास्कल, डायमीटर ऑफ बोर एंड स्ट्रोक लेंथ बोथ आर इक्वल ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड स्पीड ऑफ द इंजन 2000 RPM। इसी प्रकार इंजन टू दे रखा है, ये फोर स्ट्रोक इंजन है दोस्तों, फोर स्ट्रोक फोर सिलेंडर। और टू स्ट्रोक दोस्तों इस तरीके से सुपीरियर होता है क्योंकि ये एन इक्वल टू 2000 RPM है, तो हर एक आरपीएम में, हर एक राउंड में दोस्तों ये पावर प्रोड्यूस करता है टू स्ट्रोक इंजन। वहीं जो फोर स्ट्रोक इंजन है दोस्तों, ये हर एक 2 बार घूमता है तब एक बार पावर मिलता है। यानी कि अगर मैं आपको दिखाऊं दोस्तों, टू स्ट्रोक इंजन की अगर इंडिकेटेड पावर की बात करें, ये दोनों का यही फॉर्मूला है, पीएम मीन इफेक्टिव प्रेशर इंटू स्ट्रोक लेंथ इंटू बोर डायमीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू एन। एन इज नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक, नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक दोस्तों कैपिटल एन के बराबर हो जाएगा टू स्ट्रोक में। वहीं फोर स्ट्रोक में ये n/2 के बराबर होगा क्योंकि 2 बार घूमता है जब क्रैंक हमारा, तो एक बार पावर मिलती है, इसीलिए इसका नाम फोर स्ट्रोक है। और के है नंबर ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे टू सिलेंडर है तो इसकी वैल्यू रख देते हैं 60 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों राउंड पर मिनट है, 60 से डिवाइड करने में पर सेकंड हो जाएगा और हमें वाट मिल जाएगा। वाट में दोस्तों इंडिकेटेड पावर मिल जाएगा, ये हमें दिया हुआ 1.2 मेगा पास्कल, तो पास्कल में कर लिया। ये सेंटीमीटर में है दोस्तों, इसलिए हम इसको गुणा कर देंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10^-2 इसका और 10^-4 इसका, 10^-6 हो गया टोटल, अभी ये मीटर में हो गया है, इंटू 2000 RPM। जैसा कि मैंने बताया कि नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक होता है स्मॉल एन और ये कैपिटल एन के बराबर होता है टू स्ट्रोक में। ये नंबर ऑफ सिलेंडर है हमारा, 2 सिलेंडर है ऐसे, तो इंडिकेटेड पावर दोस्तों हमें ये मिल गया। आमतौर पर यहाँ 1000 से डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें किलो वाट में मिल जाए, तो किलो वाट में इंडिकेटेड पावर हो गया 7.853 किलो वाट। और दोस्तों वही हम फोर स्ट्रोक इंजन की बात करें अगर, सब कुछ हमारा यही है दोस्तों, सब कुछ यही है, बस दोस्तों पावर भी ये उतना ही प्रोड्यूस करेगा। हमारी इसमें 4 सिलेंडर लगे हुए हैं जहां ऊपर हमारा 2 सिलेंडर था, क्योंकि ये नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक n/2 होता है इसमें, मगर ये 4 सिलेंडर है दोस्तों और हमारा 2 स्ट्रोक वाला 2 सिलेंडर था, इसलिए के की वैल्यू जो है, के की वैल्यू 2 सिलेंडर था, तो 2 यहाँ पे हमने यूज किया, यहाँ 4 सिलेंडर है तो 4 यूज किया, मगर नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक आधे हो जाते हैं। ओवरऑल दोस्तों इंडिकेटेड पावर हमें उतना ही मिला, मगर ये 4 सिलेंडर इंजन है तब जाके उतना ही पावर प्रोड्यूस कर रहा है आइडियली दोस्तों, ये आइडियल सिनेरियो है, ये 7.854 किलोवाट। ठीक है दोस्तों, दोनों इंजन हमारे वही प्रोड्यूस करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला है, इंडिकेटेड पावर इक्वल टू मीन इफेक्टिव प्रेशर इंटू स्ट्रोक लेंथ इंटू बोर एरिया इंटू नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक नंबर ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय 60, क्योंकि ये आरपीएम में होता है आमतौर पे। ठीक है दोस्तों, अंतर हमारे यहीं पे आता है बस, ये नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक टू स्ट्रोक में दोस्तों कैपिटल एन के बराबर है, 2000 RPM था तो पूरा पूरा 2000, और नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक फोर स्ट्रोक के केस में n/2 होता, 2000/2। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आप समझ पाएंगे टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक में पावर स्ट्रोक का जो अंतर होता है। धन्यवाद।